हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इन एपी मैथ हैकर। आज मैं नवोदय और विद्याज्ञान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप उनको ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यह है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, फिर उसी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसका एक फार्मूला होता है, गुरु जी का जंतर याद करके रख लेना, एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक, तो एक्स का ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक, बाई 100। बाई आपको 100 में लिख लेना है। फिर जब 100 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400 बाई 100, फिर यहाँ पे दो जीरो कट गया, यहाँ पे 4 आंसर आएगा। ठीक, लेकिन 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 यहाँ पे 4% की हानि और 4% का लाभ दोनों दिया गया है। तो इस फार्मूले पर जब भी अप्लाई होगा तो हमेशा हमेशा हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये विद्याज्ञान के इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करते देखिए आप लोग। यहाँ पे जब होगा 6 × 12 हो जाए, यहाँ पर हम सिंपली नोट कर लेते हैं, 12 × 8 + 7 प्लस, हम नोट करके आप लोगों से मिलते हैं। तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। देखिए यहाँ पे 12 × 8 था, तो यहाँ पे सिंपली 12 × 8 + 7 + यहाँ कोष्ठक पहले सॉल्व होगा, 6 × 12 12 × 7 = 14 = 15। ठीक, तो फिर -6/2 + 4, फिर भाग होता है 2 × 3 − 4, यहाँ पे 3 बचेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, 12/96 + 7 प्लस में, ये 3 से 3 का सही हो गया ना। फिर 96 + 7 + 4, 96 × 4 = 100, 100 + 7 = हो जाएगा आपका 107, आपका यही आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, यह ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहा है, एक व्यक्ति ने एक बाइक को 2,50,000 में खरीद कर 4 वर्ष बाद 2,00,000 में बेच दिया, तो व्यक्ति को लाभ या हानि? सबको ही पता होगा यहाँ पे सिंपली हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। ठीक, यहाँ पे हानि होगी, तो इसमें से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2, 5, 1, 2, 3, 4, 0, फिर इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, ये मतलब 0, 0, 0, 0, 0, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 50 के बाद 3 0। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी है हाँ लाभ है या फिर हानि, तो यहाँ पे 50 के बाद 3 0 यहीं पे है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो गया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देख लीजिएगा, पहले इस तरह मोड़ा गया है, फिर इसको इस तरह, यहाँ पे एक गोला बना दिया गया। ठीक, दिख रहा होगा आपको, तो फिर इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, ये बात पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसको अगर खोलेंगे तो देखिए, ये तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भरा गया है, इसको ये भरा ही नहीं है, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें चिन्ह नहीं आएगा, मतलब ये जो लगाया प्लस का चिन्ह, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी आंसर गलत हो गया। अब रहा ये और ये कोने पर है, बट ये बीच बीच में बनाया गया है, इसलिए ये आंसर भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर इज सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तीसरा। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिख रही है, सिंपली दिख रही है, ये भी इस बार के विद्याज्ञान के क्वेश्चन में पूछा गया 2023-24 के, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, देखो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लिख देना 1, 2, 3 नहीं दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, दिख रहा है, फिर ऐसे 5 लिख देना, फिर ये 5 है ना, बीच बीच में पर एक रेखा के ऊपर लिखते जाना है, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और कुछ नहीं करना, 5 × 4 = 9, 9 × 1 = 10, 10 × 3 = 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। किसी भी क्वेश्चन में लगा के चेक कर लेना, 15 आंसर आ जाएगा सी। ठीक, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी विद्याज्ञान के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखते हैं इसमें क्या हो पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले ये छोटा था लेकिन बड़ा हो गया, ये बड़ा था इसको छोटा कर दिया गया। ठीक, अब इसमें ये बड़ा है तो इसको छोटा कर देंगे, ये आकृति कुछ इस तरह बनेगी, यहाँ पे ये आकृति कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पे ये बड़ा है ना, इसको छोटा कर देंगे, इससे छोटा,
और ये जो छोटा है इसको बड़ा कर देंगे, सॉरी ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, ऐसा देखो कहाँ पे आया, ये छोटा है यानी कि ये भी गलत, हाँ यही सही। लेकिन 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन है ये भी चार है, ये भी गलत, फिर हाँ यही सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन को बाद में बताऊँगा, इसका बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग डाउट ले रख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा अभी बाद में, जस्ट लास्ट में बता दूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिखना पड़ेगा कुछ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी इस बार के विद्या ज्ञान के क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए आप सभी लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। देश, देश तो ये भी कोई संख्या नहीं है, मतलब है बट प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये विश्वत इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि इसका आंसर अमीर होगा, लेकिन ये अमीर नहीं होता है, ये होता है अमीरी। ठीक है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इस बार के विद्या ज्ञान के क्वेश्चन में पूछा गया था 2023-24 के एग्जाम में, इसलिए इसको भी समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कटे कटे रहने का मुहावरे का अर्थ नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्थ नहीं है। दूर दूर रहना यानी कि दूर दूर रह, सही है, ये भी सही है, बेरुखे बतरना सही है। यहाँ पे समीप रहना, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज रविवार है तो ठीक 101 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये भी इस बार के क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन इसलिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एक ट्रिक है, 101 में पहले 7 दिन से भाग कर दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए 7 × 7, तो देखिए भाग करने पे यहाँ पे 3 शेष आया है, 3 शेष आया है, कुछ नहीं करना, बस देखना है रविवार में 3 जोड़ना है, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार। लेकिन 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 यहाँ पे बाद का बाद, यानी कि बुधवार के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। इसमें से भिन्न चुनना है, यहाँ पे देखिए विद्याज्ञान के क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बृहस्पति, शनि, शुक्र, सूर्य, यहाँ पे दो तरीकों से लगाया जाएगा। देखिए या तो इसको आप मान लीजिए बृहस्पतिवार, शनिवार, शुक्रवार, ये डेट हो जाएगा, लेकिन सूर्यवार नहीं होता, यही सही आंसर हो जाएगा। या ये ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, लेकिन ये कोई भी ग्रह नहीं है। शनि हालांकि हट गया, बट ये तो तारा है, सूर्य तारा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी मत भूलिएगा। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से कम है, तो संख्या क्या होगी, कुछ नहीं करना है। देखिए 31 से बड़ी है ना, 31 प्लस एक्स कर दो, इक्वल टू कर दो, 75 से कम है तो 75 में से एक्स घटा दो, कुछ नहीं करना, एक्स को उधर, मतलब एक्स को इधर बुला दो 75 को, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 75 में से 31 जाएगा तो बच जाएगा 44। ठीक, फिर एक्स बराबर 22 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक्स बराबर 22 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स बराबर 22 आ गया ना, तो अब ये आंसर होगा, यानी कि 31 प्लस 22, 2 × 3 = 3 + 5 = 53, 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हुए कह रहा है, एक संख्या के 3/7, 1/4 और 2/5 यानी कि एक्स का 3/7, 1/4, 2/5, 2 × 2, 2 × 4, फिर 5 × 10, 10 × 70, 70/3x, 3x = 15 है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 15 × 30 = 45, 15 × 75 = 75, 15 × 95 = 105, यानी कि x बराबर 105/3, 3 × 3 = 15, मतलब 0 यहाँ पे लग जाएगा, 350 आ गया ना। फिर इसमें क्या है, आधा आधा, तो इसका आधा जब निकालेंगे हम लोग, ठीक, इसका आधा जब निकाला जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना आएगा, सॉरी कैमरा उधर चला गया था, तो इसका जब आधा निकालेंगे आप तो 175 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 175। फिर
इसके बाद दो क्वेश्चन और है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 7, 9, 12 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। ये भी विद्या ज्ञान के क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी विद्या ज्ञान के इस बार के एग्जाम में पूछा गया। इसलिए न्यू क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 5, 7, 9, 12। 5, 7, 9, 12 को जब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, आप एलसीएम में आ जाएगा 1260। यानी कि इन सभी संख्याओं से 1260 एकदम पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, लेकिन कह रहा है सॉरी, हाँ अब देखिए, लेकिन इसमें 3 शेष बचना चाहिए। तो 1200 में फिर 3, मतलब 1260 में 3 जोड़ दो, यानी कि 1263 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, देख लीजिएगा। इसको 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्र, देखो यहाँ पे कह रहा है ना 40 = 240 कर लो, फिर इसको कर दो, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 80 हो जाएगा, फिर इसमें भी 2 का गुणा करोगे तो 2 × 4 = 2 × 4 यानी कि 480 हो जाएगा। अब बचा 20%, यानी कि 80% इसको इतना हो जाएगा, तो फिर 40 में 2 से भाग कर दो यानी कि 20%, फिर इसको में 2 से भाग कर दो, 2 × 2 = 2 × 4 = 120 यानी कि 480 + 120 कर दो। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे आसान क्वेश्चन ये, 8 × 2 = 7 लगे, 4 × 5 = 6 आंसर आ जाएगा इसका 600। राइट आंसर इसको 600। अब ये है, ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, ये भी विद्या ज्ञान के एग्जाम में पूछा गया था और ये भी विद्या ज्ञान के एग्जाम में इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। हम सारे विद्या ज्ञान के एग्जाम के ही क्वेश्चन ला रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ए पिकॉप इच देन ए पीहन देन, यहाँ पे लिखा गया भी है फर्स्ट, यानी कि ये हो जाएगा कंपरेटिव सुपरलेटिव, नहीं सॉरी, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मच मोर मोस्ट, और कंपरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भी देन लगाया गया ना, तो कंपरेटिव डिग्री के बाद ही देन का प्रयोग होता है। और कंपरेटिव डिग्री कौन है, यहाँ पे पॉजिटिव और कंपरेटिव यानी कि मोर, तो मोर, और सब में ब्यूटीफुल लगाया गया है तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल डाल दीजिए, और का यहाँ पे हो जाएगा मोर। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो लेकिन आपके लिए एक निर्देश, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो और कंटेंट लाते रहेंगे, ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग नोते और विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले, वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट दी जाती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।